सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होगी बीपीसीसी 108 की यूनिट 8 के ऊपर। तो हम लोग को जल्दी कंप्लीट करना है अपना माध्यमिक परीक्षण, जिससे आप भी फ्री हो और हम भी। यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक परीक्षण टी परीक्षण का अप्राचलित विकल्प है। इस बात पर जांच के लिए प्रयोग हो सकता है कि क्या किसी आंकड़े के समूह माध्यिका उसकी कल्पित माध्यिका के समान है। यहाँ एकल प्रतिदर्श माध्यिका परीक्षण का उपयोग हो सकता है। यह जानने के लिए भी परीक्षण का प्रयोग हो सकते हैं कि दो स्वतंत्र चर प्रतिदर्श जिसके आकार समान होना जरूरी नहीं है कि माध्यिका अलग अलग है या नहीं। मतलब यहाँ पर बस यही देखा जाता है, कल्पित माध्यिका के समान हमारी माध्यिका चल रही है या नहीं, या दो अलग अलग चरों के बीच चीजें अलग अलग हो सकती है या नहीं, प्रतिदर्श आकार समान हो या नहीं, दोनों दिशाओं में दोनों उपसमूह प्रतिदर्शों की माध्यिका की तुलना हो जाती है। माध्यिका परीक्षण अप्राचलिक होने के नाते इसका प्रयोग प्रसमान और गैर प्रसमान दोनों प्रकार के वितरण में हो सकता है। साथ ही विचाराधीन चर के सतत या असतत होना भी अनिवार्य नहीं है। इसे छोटे आकार के प्रतिदर्श में भी प्रयोग करने में कोई असुविधा नहीं होती। हाँ, मानवीय परीक्षण अपेक्षा की क्षमता में या शक्ति कुछ कम अवश्य रहती है। हम ध्यान रखना चाहिए कि क्या प्राचलिक परीक्षणों की मान्यताएं मान्य रखती है। आइए इन माध्यिका परीक्षण की मान्यताओं पर एक दृष्टि डालें। एकल प्रतिदर्श माध्यिका परीक्षण की गणना। एकल प्रतिदर्श में माध्यिका परीक्षण द्वारा यह जाना जाता है कि क्या प्रतिदर्श की माध्यिका जनसंख्या के माध्यिका के समान है। आइए एकल प्रतिदर्श हेतु माध्यिका परीक्षण गणना की विधि के इन चरणों को उदाहरण द्वारा समझा जाए। तो उसके द्वारा एक औद्योगिक मनोवैज्ञानिक किसी संगठन में नव नियुक्त कनिष्ठ प्रबंधकों के माध्यम से अनुभव वर्षों को समीक्षा करना चाहते हैं। उनके द्वारा आंकड़े इस प्रकार है। ठीक है, माध्यिका कल्पित माध्यिका को कम मानों में कूटांक शून्य दिया गया, अधिक मानों को एक इकाई दी गई है। जो छह है उनको एक मिला है, छह को एक मिला, दस को एक मिला, नौ को एक मिला, सात को एक मिला, आठ को एक मिला, तीन दो चार ये सबको ये जीरो 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 मिला है। कल्पित माध्यिका छह है, कल्पित माध्यिका से कम आठ है। ठीक है, तो 1/2 इंटू एक्स करके एक फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 14, तो छः और आठ हो गया 14, 14 डिवाइड बाय 7 आ गया। तो 6 और 8 और 7 और 7 निम्नानुसार एफ ओ एफ ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ए, तो 7 माइनस 1 0.28 अर्थ निरूपण में इकाई वर्ग के निष्पांस पाने में हमें स्वतंत्रता कोटि अब जाननी होगी। यह है तो 0.28 ही घुमा फिरा के आंसर आएगा। तो दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों के लिए माध्यिका परीक्षण की गणना, अभी हम लोग एकल प्रतिदर्श देखे थे इधर, अब हम लोग को दो स्वतंत्र चरों के लिए माध्यिका परीक्षण की गणना देखनी है, जिसमें हमारे पास दो समूह होंगे या दो आंकड़े होंगे जिनकी हमें माध्यिका निकालनी होगी। तो फिर माध्यिका के बीचों का हम लोग अंतर देखेंगे, और फिर यहाँ पे फिर वही एफ ओ एफ ई करके जो फॉर्मूला यूज हुआ है इसको करते हुए पूरा यहाँ पे जो आएगा अर्थ निरूपण करने पे, क्योंकि आया है 2.11 वो आएगा। दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के लिए, फिर ये तीन चरों के लिए, तीन समूहों का है, तीन समूहों का भी निकलते निकलते बड़ा होता जाएगा, और आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इस जगह। तो हमें लगता है एक ही समूह का आएगा या दो समूह का आएगा, और तीसरे समूह का तो आने की चांस ना के बराबर है। तो ये भी वीडियो जल्द से जल्द खत्म हो रहा है, क्योंकि चीजें को मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको ये चीजें अपने से पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा सीखना है। और किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके के और कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या ग्रेड कार्ड रिलेटेड कुछ आपको भेज के पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज के भी आप चीज़ें समझ सकते हो। मेरे किसी भी एक लिंक पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप पढ़ाई करो या लड़ाई करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, नहीं तो पेंसिल ठोक ठोक के सर पे तुम्हारे बुद्धि हिला देंगे। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है गाइस एक नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। लाइक हो जाना चाहिए, लाइक पक्की बात है, लाइक।